स्टाइल मटर मशरूम। उसके लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर में लेंगे मशरूम और उसमें थोड़ा सा फ्लावर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से रब करेंगे अपने हाथों से, ताकि उसके ऊपर जो भी मिट्टी हो वो निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी मिट्टी निकलने के बाद हमने मशरूम को वॉश किया और वॉश करने के बाद हमारे मशरूम बहुत नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। अब एक पैन में हम ऑयल हीट करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक क्लोव्स, जिंजर और अच्छे से स्टर कर लेंगे। थोड़ी देर स्टर करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। उसके बाद हम हमारे डाइस किए हुए अनियंस डालेंगे इसमें और अच्छे से सौते कर लेंगे इन सबको। सौते करने के बाद हम अब इसमें ऐड करने की बारी हमारी आ चुकी है रेड रेड टमेटोज की। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे चॉप किए हुए टमेटोज, अच्छे से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। और हमारी ये जो मसाला है इसे हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढकने के लिए छोड़ने वाले हैं, जो कि हम अब इसे ढक देंगे। अब हमारे जो साफ किए हुए क्लीन किए हुए मशरूम्स थे, हम उन्हें चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। हम ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ के ही टुकड़े करेंगे इसके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे मशरूम भी कट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे मसाले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये अच्छी तरह से भून चुका है, इसका हमें पेस्ट बनाना है, हम इसकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। इसलिए अब हम इसे मिक्सर जार में शिफ्ट कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। गर्मा गर्म हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, धुआं निकल रहा है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब उसी पैन पे अब ऑयल डाल के हीट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़ पत्ते और हमारी ग्रेवी जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ऐड करने के बाद जो बची हुई ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से हमारी सारी ग्रेवी को हम हमारे पैन में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छी तरह के से मसाले को हम भून लेंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह के से तेल छोड़ दे। मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं होता है हमारी ग्रेवी कच्ची ही रहेगी। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हमारा सीक्रेट मसाला हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और मेरी मदर का स्पेशल गरम मसाला मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको आगे चलकर ज़रूर बताऊँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब हम इसमें ग्रीन पीस ऐड करने वाले हैं और अच्छी तरीके से उसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें मशरूम्स हमारे कट किए हुए जो हैं हम ऐड करने जा रहे हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे। मशरूम को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसे 2 से 5 मिनट के लिए हमारी जो पैन है उसे हम कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे
ढक देंगे ताकि हमारे मशरूम और मटर अच्छी तरीके से पक जाए, मसालों में मिक्स हो जाए, फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाए ताकि अच्छे तरीके से उनके अंदर। 5-7 मिनट होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मशरूम कितना प्यारा लग रहा है, बहुत डिलीशियस लग रहा है और अच्छी तरह से पक गया है। तो अब ये सर्व करने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में डालेंगे। और कोरिएंडर से हम इसे गार्निश करेंगे। मटर मसाला मशरूम हमारा होम स्टाइल बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।